देखिए कप्तान साहब, हम लोग कुछ ऐसे आदमी नहीं, बाप दादा हमारा है, लेकिन आज हमारे पास रहता तो आपके सामने घुस करके सारू को मार, आओ ले चलते आप। अरे इंस्पेक्टर पे सर क्या कार्रवाई? लाइन हाजिर करो, लाइन हाजिर हो सर। सर सर, आइए। रतन सिंह की हत्या के मामले में क्या कार्रवाई की गई है अब तक? रतन सिंह की हत्या के मामले में अब तक जितने आरोपित हैं सब पर दबिश दी जा रही है, सभी को गिरफ्तार किया जा रहा है और प्रभारी निरीक्षक कृष्णा जो तत्कालीन थे उन्हें निलंबित कर लाइन हाजिर किया गया। अन्य लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है, उनकी सबकी जाँच कराई जाएगी। ये घटना का ये 5-6 आदमी गुटबंदी थे जी, जिसमें मेन थे दिनेश सिंह जी, दिनेश सिंह, उदय सिंह, एक संजय सिंह और झब्बर पर झब्बर का पूरा परिवार जी, यही लोग गुटबंदी कर करके ये लोग घटना कराए। झब्बर सिंह ये प्रधान है, इसकी औरत प्रधान है और उसी का भाई छोटा सोनू गया था बुलाने के लिए। इस हत्या का मुख्य कारण उनके पड़ोसी से उनका जमीनी विवाद था। जिस जमीन को लेकर के विवाद था उस जमीन पर मृतक पत्रकार के घर वालों ने पुआल रखा हुआ था, दूसरे पक्ष ने लाकर वहाँ पर धान की भूसी रख दी थी। इसके बाद दोनों पक्षों में घमाघमी हुई, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके क्रम में फायरिंग से पत्रकार रतन सिंह की डेथ हुई है। इसमें मौके से पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य जिन आरोपियों को उन्होंने और अतिरिक्त बताया है उनकी धरपकड़ के लिए तत्काल पुलिस लग गई है, बहुत जल्दी ही सारे आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे। इस घटनाक्रम में कहीं से भी पत्रकारिता का कोई ऐसा एंगल नहीं है जिसके कारण हत्या की घटना हुई हो। जी हिंदुस्तान डिजिटल डेस्क।